बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। कांग्रेस 34, बीजेपी 32 और अदर्स 2, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। यहां पर अब गुजरात में तो ये सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा है कि कौन जीत रहा है। गुजरात में सवाल खड़ा हो रहा है कि रिकॉर्ड कितने से टूट रहा है, कांग्रेस कितना नीचे जा रही है और आम आदमी पार्टी कितना ऊपर आ रही है। ये बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है गुजरात में, ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की। पंकज झा जी क्या कहेंगे, आपका क्विक रिएक्शन। निशांत, मैं शुरुआत से ये कह रहा हूँ कि जितना वोट शेयर आम आदमी पार्टी को गुजरात में मिल रहा है ना, आने वाले दिन में 2024 के चुनाव के लिए जब एक तरीके से कई पीएम कैंडिडेट हो गए हैं, ये गुजरात में जाकर जिस तरीके से डिसरप्टर का रोल किया अरविंद केजरीवाल ने, राष्ट्रीय पार्टी हो रही है, उसके बाद जितने नीतीश कुमार और राहुल गांधी, ममता बनर्जी, इन सब के लिए दिन बड़े मुश्किल होने वाले हैं। आगे जो चुनाव है वो कर्नाटक में हो या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में, वहाँ आम आदमी पार्टी बड़ी नहीं है, लेकिन ऑप्टिक्स में आपको अरविंद केजरीवाल मोदी से लड़ते दिखेंगे इस ताकत की बदौलत। लेकिन अब जा रहा है ये समझिए कि जो दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली डेटा वाइज कैसा दिखाई दे रहा है, और गहराई में घुसते हैं इन आंकड़ों के। डेटा मोशाय के पास चलते हैं, आइए चलें, बाबू मोशाय गौरव उनके साथ हैं। बिल्कुल दिनेश और निशांत, बहुत ज्यादा तेजी से जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं क्या नतीजे आ रहे हैं इस वक्त गुजरात और हिमाचल के, हमारे डेटा मोशाय भी अपने साइंटिफिक डेटा के साथ तैयार है बताने के लिए कि क्या चेंजेस दिख रहे हैं मैप में। डेटा मोशाय, ओवर टू यू, क्या देख पा रहे हैं आप चेंजेस इन रिजल्ट? देखिए ये 2022 का ये मैप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें देखिए जो मिडिल गुजरात में भी आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो सीट्स आ रहा है, और सौराष्ट्र में खाता नहीं अभी तक। ये तो ट्राइबल बेल्ट है, ये ट्राइबल है, तो पार्टी भी दिख रही है और बीजेपी भी दिख रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। नहीं, इधर कांग्रेस नहीं कर रहा है, तो क्या है ये जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट में अभी तक जो इंडिकेशन आ रहा है आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा कर रहा है। और मैं अगर इधर दिखा दूं कौन सा मतलब वो तस्वीरें दिखा दे डेटा मुशा, फिर मैं आपके पास आता हूं डेटा मुशा। बीजेपी दफ्तर की तस्वीर देखिए किस तरह से वहां पर